स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन डायरेक्टर नितिन बोस जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नितिन बोस जी के डायरेक्शन सबसे पहली मूवी आई थी 1934 में, जिसका नाम था डाकू मंसूर। इस मूवी लीड कास्ट में थे पृथ्वीराज कपूर, उमा शशि, हुस्न बानो, केएल सहगल और पहाड़ी सन्याल। इनकी अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था चंदीदास। इस मूवी लीड कास्ट में थे केएल सहगल, उमा शशि, अनवरी बाई, पार्वती नवाब और मोहम्मद अंसारी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1935 में, जिसका नाम था धूप छाऊं। इस मूवी लीड कास्ट में थे केदार, नवाब, उमा देवी, त्रिलोक कपूर और केसी डे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1937 में, जिसका नाम था प्रेसिडेंट। इस मूवी लीड कास्ट में थे पृथ्वीराज कपूर, लीला देसाई, केएल सहगल, नवाब और इंदु मुखर्जी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी 1939 में, जिसका नाम था दुश्मन। इस मूवी लीड कास्ट में थे पृथ्वीराज कपूर, केएल सहगल, लीला देसाई, देवबाला, सिराज फारूक। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। ये बस इनकी अगली मूवी आई थी 1941 में, जिसका नाम था लगन। इस मूवी लीड कास्ट में थे केएल सहगल, कानन देवी, नवाब और रहमत खातून। व्यूवर्स इनकी नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1943 में, इसका नाम था काशीनाथ। इस मूवी लीड कास्ट में थे भारती देवी, सुनंदा देवी, आसिफ बरन और नवाब। इनके डायरेक्शन में बनने हुई अगली मूवी आई थी 1944 में, इसका नाम था मुजरिम। इस मूवी लीड कास्ट में थे मोतीलाल, लीला देसाई, वीना याकूब और सुनालिनी देवी। इस मूवी को ब्लो एवरेज करार दिया गया। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1946 में, जिसका नाम था मिलन। इस मूवी लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, मीरा मिश्रा, रंजना, मोनी चटर्जी और पहाड़ी सन्याल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1951 में, जिसका नाम था दीदार। इस मूवी लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, नरगिस दत्त, निम्मी तबस्सुम, अशोक कुमार, याकूब, मोतीलाल, आगा और मुराद। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 80 लाख की और दुनिया में कमाई की 1,50,00,000 की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। नितिन बोस जी के राशि अगली आई थी 1953 में दर्द दिल। इस मूवी लीड कास्ट में थे प्रेम नाथ, निम्मी, प्रतिमा देवी, मुराद और रतन कुमार। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1954 में, जिसका नाम था वारिस। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुरैया, नादिरा, आजला सचदेव, रूपमाला, याकूब और तरत महमूद। विवाह नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अग्नि में आई थी 1957 में, जिसका नाम था कठपुतली। इस मूवी लीड कास्ट में थे वैजंती माला, बलराज साहनी, कमाल लक्ष्मण, सी एस दुबे। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1961 में, जिसका नाम था गंगा जमुना। इसको नितिन बोस जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, अरुणा ईरानी, नासिर खान, कन्हैया लाल, अनवर हुसैन और नासिर हुसैन। इस मूवी का बजट था 1,40,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 7 करोड़ की और दुनिया में 11,27,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था उम्मीद। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, जॉय मुखर्जी, नंदा, लीला नायडू और आगा। इस मूवी को कमाई के अनुसार से बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1963 में, इसका नाम था नर्तकी। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, नंदा, अरुणा ईरानी, ओम प्रकाश, आगा और मोनी चटर्जी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। नितिन बोस जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1964 में दूज का चांद। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, भरत भूषण, आगा और उल्लास। इस मूवी को कमाई के अनुसार से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। व्यूवर्स इनकी लास्ट मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था हम कहाँ जा रहे हैं। इस मूवी लीड कास्ट में थे प्रकाश, जमुना, असरानी, नीना और भट्टाचार्य। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स ये फेमस डायरेक्टर नितिन बोस जी की मूवीज का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का या फिर किस प्रकार का बॉक्स एनालिसिस
वीडियो आप देखना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।